बोचहा विधानसभा में तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन कर लिया है। ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि लोजपा रामविलास जो है वो वहां से अपने किसी प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़वाने जा रही है, क्योंकि 24 मार्च वो अंतिम तारीख थी, वो अंतिम तिथि थी जब नामांकन किया जा सकता था। अब ऐसे में ये सवाल है कि क्या लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है वो किसे समर्थन करेगी या नहीं करेगी। देखिए, कल दैनिक जागरण के पटना संस्करण में एक खबर छपी जिसमें यह लिखा गया कि लोजपा रामविलास जो है वो भाजपा के प्रत्याशी, जो भाजपा की कैंडिडेट है वहां से बेबी कुमारी, उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करेगी। लेकिन कल देर शाम एक पत्र जारी किया गया है लोजपा की तरफ से, लोजपा रामविलास की तरफ से, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ना तो लोजपा रामविलास जो पार्टी है वो किसी का बोचहा विधानसभा में मदद करने जा रही है, यानी ना तो उनके पक्ष में और ना ही उनके खिलाफ कोई प्रचार करेगी। ये पत्र देखिए जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये लोजपा रामविलास का पत्र है जिसपे कल की तारीख में है 24 मार्च, जिसमें साफ लिखा है कि लोजपा रामविलास बोचहा विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं देगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी इस उपचुनाव में ना किसी पार्टी को अपना समर्थन देगी और ना ही किसी पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करेगी। पार्टी आलाकमान ने प्रदेश के नेताओं के साथ इस बाबत विस्तृत विचार विमर्श करके यह निर्णय किया है। कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित उस खबर का भी खंडन किया है जिसमें भाजपा के समर्थन की बात कही गई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि बिहार में उनकी पार्टी अकेले अपनी नीति और सिद्धांत के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बोचहा की महान जनता इस उपचुनाव में अपने विवेक के आधार पर अपने मताधिकार का उपयोग करे। तो यह साफ कर दिया गया है कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव में किसी कीमत पर लोजपा रामविलास, चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो भाजपा के समर्थन में चुनाव प्रचार नहीं करने जा रही है, ना ही तो राजद या फिर मुकेश सहनी के खिलाफ, उनके जो प्रत्याशी होंगे उनके खिलाफ भी चुनाव प्रचार करने जा रही है। क्योंकि हमने देखा था पिछले जो दो सीटों पर उपचुनाव हुए थे बिहार में, तारापुर और कुचेश्वर स्थान, वहां पर चूंकि जदयू के प्रत्याशी खड़े थे, हालांकि राजद भी वहां से फाइट कर रही थी, लेकिन जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ चिराग पासवान ने अपने दो प्रत्याशी तारापुर और कुचेश्वर स्थान से खड़े किए थे। हालांकि उन्हें बहुत कम वोट आया, 5000-6000 वोट के अंदर वो सिमट गए थे। इसके बावजूद जदयू के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो गई थी। तो कल से जो खबरें लगातार बाजार में चल रही हैं उनके ऊपर पूर्ण विराम लगाया गया है। लोजपा रामविलास ने साफ कर दिया है कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव में किसी कीमत पर भाजपा के समर्थन में या किसी भी पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं करने जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपने रही द पंचायत के साथ, मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।